हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में आके बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है, मैच कर रहा है। तो आज का जो रीडिंग है वो होगा कि आपके पार्टनर कैसे होने वाले हैं, whom you are going to get married with। आप अगर शादी करने वाले हो तो आपका पार्टनर किस तरह का होगा। ये रीडिंग स्पेसिफिकली सिंगल्स के लिए है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल्स, और जो डाइवोर्स्ड है उनके लिए है। बाकी किसी के लिए आई डोंट थिंक ये रेजोनेट करेगा। तो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। एंड ये एक जनरल रीडिंग होगा, ये आपके साथ मैच कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। बट फिर भी मेरे वीडियोस को आप पसंद करते हो, तो अगर अच्छा लगे तो वीडियोस ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो थोड़ा सा लेट आज हम लोग आज थोड़ा अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी था किसी काम से, तो थोड़ा लेट हो गया बेसिकली। ओके, सो लेट्स सी के whom यू आर गोइंग टू गेट मैरिड विथ और हु इज़ गोइंग टू मैरी यू। आपके पार्टनर कैसे होने वाले हैं जिससे कि आपकी शादी होने वाली है या हो सकती है। ओके, सो लेट्स सी। पहले हम लोग चेक करेंगे उनका लुक्स वाइज वो कैसे होंगे, मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। ओके, सो अगेन टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। सो लेट्स सी कि लुक्स वाइज वो किस तरह के होंगे। ओके, 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 सो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल दे आर नॉट रेडी टू गेट मैरिड। अभी शादी के लिए उतना रेडी नहीं है, बिकॉज शायद बहुत ही एक खराब फेस से आप लोग निकले हैं। दैट्स वाई थोड़ा सा अभी भी स्टक एनर्जी मुझे फील हो रहा है आपके तरफ से। लेट्स सी कि आपके पार्टनर लुक्स वाइज किस तरह के होंगे जिससे कि आपकी शादी होने वाली है या हो सकती है। Page of Swords. Okay. Looks wise, अगर मैं बोलूं तो ये जो इंसान होंगे आपके पार्टनर, मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, मैं फिर से बोल देता हूं, इनका हाइट बहुत अच्छा होगा। ओके, हाइट वाइज इनका बहुत अच्छा हाइट होगा और फेयर कम्प्लेक्शन के होंगे और बहुत ज्यादा हेल्दी उनका फिगर नहीं होगा। ओके, अच्छे फिगर वाइज वो बहुत अच्छे होंगे, वेल मेंटेन्ड होंगे, उनका एज बहुत ज़्यादा नहीं होगा, बहुत यंग एज के इंसान होंगे। ओके, एंड देयर इज अ चांस कि उनके हेयर बहुत अच्छे हों, बाल बहुत अच्छे होंगे। अगर लेडी हैं, अगर फीमेल है, तो देयर इज अ चांस कि बहुत ही स्टाइल करते हैं उन अपने बालों को लेके, और बहुत ही स्टाइलिश हैं हेयर वाइज। ओके, हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है उनका, और मेल भी अगर होंगे उनका सेम दोनों का ही, तो हेयर बहुत अच्छा होगा इनका। और जो है थोड़ा सा हल्के मिजाज के होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा क्या बोलूँ मैं, उनको हैप्पी गो लकी हम लोग बोलते हैं ना, तो हैप्पी गो लकी टाइप के इंसान होंगे, फैशनेबल होंगे और यू नो लुक्स वाइज बहुत अच्छे दिखेंगे, मेल फीमेल जो भी हैं, बट लुक्स वाइज बहुत अच्छे दिखेंगे। फेशियल जो स्ट्रक्चर होगा वो बहुत अच्छा होगा। ओके, अट्रैक्टिव होंगे, बहुत ज़्यादा उनको आई थिंक सोशल नेटवर्क पे बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हैं, उनका फैन फॉलोइंग हो सकता है, हो सकता है कि उनके लुक्स की वजह से या उनके ड्रेसिंग सेंस की वजह से या इस तरह के किसी चीज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स है, काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स है उनका, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे वो काफ़ी एक्टिव रहते हैं, तो इस तरह का जो है लुक्स वाइज ये हो सकता है। और फेयर कम्प्लेक्शन मैंने बोला होगा शायद, फेयर कम्प्लेक्शन होगा। एंड अगर मेल हुए तो प्रॉबब्ली चांसेस ये है कि उनको क्लीन शेव्ड रहना पसंद है। ओके, तो ये चांसेस हो सकता है, और उनको
थोड़ा सा हाँ उनको थोड़ा सा शायद दूर का अगर कुछ चीज़ है, दूर का देखने में थोड़ा सा दिक्कत उनको होता है। आई थिंक पावर भी हो सकता है, चश्मा अगर पहनते हैं तो दूर का जो नज़र है वो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। ओके तो ये थोड़ा सा देखिएगा। ओके सो लेट्स सी करियर वाइज ये जो पार्टनर है ये कैसे होंगे। मैंने लास्ट टाइम भी इस तरह का एक रीडिंग लेके आया था, तो आप लोग वो रीडिंग भी चेक कर सकते हैं, हो सकता है कि वो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। बट ये भी रेजोनेट कर सकता है, जिनके साथ रेजोनेट करेगा वो प्लीज़ कमेंट्स में आके मेरे को इन्फॉर्म कीजिएगा। लेट्स सी करियर वाइज वो कैसे होंगे। सी एस ऑफ पेंटिकल, ओके स्टेबल, वेरी मच स्टेबल। आई थिंक ये जो भी आपके जिनसे भी आपका शादी होने के चांसेस है, हो सकता है कि शादी से पहले उनका करियर वाइज ठीक ठाक चल रहा होगा। वो काफ़ी स्टेबल फैमिली से ही बिलोंग करेंगे या करेंगी। ओके बट देर इज़ अ चांस कि आफ्टर मैरिज, आपके उनके ज़िंदगी के आने के बाद देर इज़ अ चांस कि कुछ ब्रांड न्यू अपॉर्चुनिटी उनके ज़िंदगी में आए। ओके यू कुड बी देयर लकी मैस्कॉट, हम ये ऐसा इस तरह का बोल सकते हैं कि आपके उनकी ज़िंदगी में आने के बाद बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली एक्सपेंशन होने के चांसेस है, अपॉर्चुनिटीज़ आने के चांसेस है। तो और भी बेहतर, मतलब दिन ब दिन आफ्टर मैरिज आई थिंक बहुत बेटर होगा। ओके आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, फाइनेंशियली भी हो सकता है थोड़ा सा हाईज एंड लोज हो सकता है, हर एक की ज़िंदगी में वो होता है। बट कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। फाइनेंशियल सेक्टर उन लोगों का अच्छा होगा, पूछते हैं नहीं। अगर फैमिली वाइज भी कुछ मतलब वो इनहेरिट करते हैं तो उस लेवल पे भी बहुत अच्छा है जो मैं देख रहा हूँ इधर। ओके सो लेट्स सी पर्सनैलिटी वाइज वो कैसे होंगे। ओके किस तरह के पर्सनैलिटी के इंसान होंगे। लेट्स सी पर्सनैलिटी वाइज वो कैसे होंगे। ये कहां से आ गया। ओके फाइव ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक इज किंग ऑफ कप्स। ओके तो ये जो इंसान होंगे ये बहुत बहुत ज़्यादा सेंसिटिव किस्म के इंसान होंगे। ओके हाईली रोमांटिक बट हाईली सेंसिटिव। ओके इनके अंदर रोमांस बहुत ज़्यादा होगा, इनके अंदर फीलिंग्स बहुत ज़्यादा होगा। मतलब सेंसिटिव मैंने जो बोला, तो हर चीज़ में इनका क्या होगा, एक साइड एक जो पैर है वो रोमांस में रहेगा और एक पैर जो है वो सेंसिबल चीज़ों में बहुत ज़्यादा वो एक्टिव रहेंगे। मतलब आप अगर उनको कुछ बोल देंगे, ओके मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कुछ भी अगर सपोज आपने कुछ बोल दिया या थोड़ा सा चिल्ला के कुछ बोल दिया या गुस्से में कुछ बोल दिया तो इमीडिएटली वो नाराज़ हो जाएंगे या उनको काफ़ी ज़्यादा दुख पहुँचेगा, ठेस पहुँचेगा। थोड़ा सा सेंसिटिव किस्म के इंसान होने के चांसेस है उनका। ओके थोड़ा उनको रोना धोना भी उनको उस तरह के भी होंगे कि उनको थोड़े छोटी छोटी बातों में थोड़ा वो सैड हो जाएंगे या रोना भी आ सकता है या इस तरह का एनर्जी है। बट बहुत ज़्यादा रोमांटिक होंगे, बहुत ज़्यादा दिल बहुत अच्छा होगा, दिल बहुत साफ होगा, इमोशंस जो है बहुत ज़्यादा होगा, रोमांस बहुत ज़्यादा होगा इनके दिल में। तो दिल जिनका इतना ओपन हार्ट होता है ना, उनका दिल दुखने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह के इंसान है, थोड़ा सा सेंसिटिव है, तो आपको थोड़ा केयरफुली इनको डील करना होगा। क्योंकि ये देखिए इसके नीचे द सन का, तो इनका जो एनर्जी है ना वो थोड़ा बच्चे जैसा एनर्जी होगा। ओके चाइल्डिश नेचर के हो सकते हैं, चाइल्डिश होने के ही चांसेस है क्योंकि उस टाइम पे भी पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आया था। तो बहुत यंग एनर्जी, कोई बहुत यंग बहुत ज़्यादा एज नहीं होगा इस इंसान का। आई थिंक 20 से 28 के बीच में, 20 थोड़ा बहुत ज़्यादा यंग हो गया, बट मान लीजिए 25 से लेके या 24 से लेके
28 तक, उससे ज़्यादा एज के ये नहीं होंगे, काफ़ी यंग इंसान होंगे, बट इन्हीं के साथ आपका शादी होने वाला है. ओके, सो जो भी है, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स. बट ये पर्सन थोड़ा सा सेंसिटिव होंगे, तो आपको थोड़ा उनको केयरफुली उनके साथ डील करना होगा, बच्चे जैसा थोड़ा उनको पैम्परिंग और प्यार, थोड़ा सा इस तरह का पैम्पर बहुत पसंद करेंगे, पैम्पर बहुत पसंद करेंगे. मतलब आप अगर पैम्पर नहीं भी करेंगे तो वो उनका दिल दुखेगा, मतलब उनको अगर सरप्राइज नहीं देंगे या आप अगर रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे प्रॉपरली तो वो थोड़ा सा सैड हो जाएंगे. ओके, तो इस तरह के पर्सनैलिटी के हैं. और बाकी पर्सनैलिटी वाइज अगर 5 लोगों के बीच में भी होंगे तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा उभर के बाहर निकले, इस तरह का कुछ नहीं. पर्सनैलिटी वाइज थोड़ा सा शाई, थोड़ा सा शाई, थोड़ा सा क्या बोलूँ मैं, थोड़ा सा अलूफ, अलूफ को क्या बोलेंगे, थोड़ा अकेले रहने का उनका टेंडेंसी होगा, थोड़ा अकेले वो रहना पसंद करेंगे, सिंगल के हिसाब से रहना पसंद करेंगे. और इतना उनको सर्कल, सोशल जो सर्कल होता है हम लोगों का, फ्रेंड सर्कल, सोशल सर्कल, इतना उनको पसंद नहीं होगा. ओके, बट आपके साथ वो बहुत अच्छे से रहेंगे, आपको बहुत प्यार करेंगे, क्योंकि आप ही उनके लिए पूरा दुनिया होंगे, इस तरह का प्यार होगा. बट थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे. ओके, वेरी हाईली सेंसिटिव बट हाईली रोमांटिक. लेट्स सी के कौन से साइंस के वो हो सकते हैं. अगर नहीं भी हुए तो बाकी 3 जो चीज़ मैंने बोला वो भी अगर रेजोनेट करेगा तो ये रीडिंग आपके लिए है. फिर भी हम लोग एक बार चेक करते हैं साइन वाइज क्या हो सकता है प्रोबेबिलिटी. अगर साइन मैच नहीं होता है तो डरने वाला कुछ नहीं है, बाकी का अगर रेजोनेट कर रहा है तो वो रीडिंग उस हिसाब से आपको लेना होगा. ओके, मैं अपरेंटली एक साइन का मैं बोलता हूँ, देखता हूँ क्या आता है. ओके, ओ ओके एंड वंस. ओके, सो बेसिकली जो मैं देख रहा हूँ उनका साइन जो है वो फायर साइंस के हो सकते हैं, चांसेस के वो फायर साइन के होंगे. फायर साइन यानी कि एरीज, लियो, सजिटेरियस. एरीज यानी कि मेष राशि, लियो यानी कि सिंह राशि, और सजिटेरियस यानी कि धनु राशि. ओके, सो फायर साइंस के होने के चांसेस है, और फायर साइन होने के नाते उनके अंदर फायरी जो एनर्जी है, पैशनेट एनर्जी है, ये बहुत ज़्यादा रहेगा. उनको मैरिज, कमिटमेंट, इन सब चीज़ों में वो काफ़ी पैशनेट होंगे, पैशनेटली हर काम करेंगे. और सी दिस इज दिस कार्ड अगेन, ये एक डबल कंफर्मेशन है कि आपके इसी तरह का, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल आई थिंक वो एयर साइन होने के चांसेस है. ओके, सो एयर साइन एंड फायर साइन, इन दोनों साइंस में से कुछ हो सकते हैं. ओके, तो देयर इज अ चांस कि वो एयर साइन के होंगे. आई होप के कार्ड्स तो बहुत ही पॉजिटिव आए हैं, तो आई होप के ये इंसान इतना ही पॉजिटिव माइंडेड इंसान होंगे और अच्छे इंसान होंगे. लुक्स वाइज, हर चीज़ वाइज बहुत अच्छा है. सो लेट्स सी गाइडेंस वाइज क्या है. आप दोनों का अगर शादी होता है तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है. इस इंसान के साथ अगर आपका शादी होता है तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है. लेट्स सी, लेट्स सी. फाइव ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स एंड द मून कार्ड. सी आई टोल्ड यू, एंड बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ कप्स. सी ये कोई मिरेकल नहीं है, ये डबल कंफर्मेशन जो मेरे कार्ड के थ्रू आता है, तो इससे आपको समझना होगा कि मेरा रीडिंग बहुत अच्छा होता है. मैं अच्छा रीडर हूँ, ये आपको मानना ही होगा. नहीं मानेंगे तो भी मैं चिल्ला चिल्ला के बोलूँगा कि मैं बहुत अच्छा रीडर हूँ, क्योंकि कार्ड जो है वो डबल कंफर्मेशन, मेरे हर रीडिंग में आप देखिएगा कि डबल कंफर्मेशन आता है कार्ड के थ्रू. सो बेसिकली जो गाइडेंस आपके लिए है कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा, जो मैंने बोला थोड़ी देर पहले, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा रोमांटिक, इस तरह के इंसान होंगे.
आपका उनकी जिंदगी में आना और उनका आपकी जिंदगी में आना आप दोनों के लिए एक विश फुलफिलमेंट होगा। ओके बहुत खुश होंगे, बहुत ही ज्यादा आप दोनों बहुत रोमांटिकली बहुत फुलफिल्ड महसूस करेंगे। ओके बट इस रिलेशनशिप का एक नेगेटिव सेंस भी ऐसा है कि हो सकता है कि उनको वो थोड़ा सा अपना जो दर्द है या दुख है या उनको अगर बुरा लगा कुछ भी तो इमीडिएटली वो खुल के उस बारे में बात नहीं करेंगे। आपको समझ के, मैंने बोला थोड़ी देर पहले कि बहुत सेंसिटिव है तो आपको उस तरह से हैंडल करना होगा। तो ये इंसान क्लियरली आपको कुछ बोलेंगे नहीं बट अंदर ही अंदर उनको घुट घुट के वो ये सब चीज़ झेलेंगे। ओके तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, थोड़ा सा उनको काफ़ी कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा डर हो सकता है। ओके हो सकता है पास्ट कुछ ट्रॉमास की वजह से वो इस तरह के बन गए हैं, पहले शायद ऐसा नहीं थे बट अभी वो इतना सेंसिटिव हो गए हैं पास्ट कुछ चीज़ों की वजह से। तो यू हैव टू, आपको थोड़ा सा केयरफुली इनको हैंडल करना होगा। और मून एनर्जी का मतलब यही होता है कि कभी कभी वो इतना डिप्रेस हो जाएंगे या फिर लो फील करेंगे कि खुद को कोसने लगेंगे या फिर खुद को अनलकी टाइप का वो फील करेंगे, तो इस तरह का चीज़ हो सकता है। ओके तो आपको थोड़ा केयरफुली इस साइड को, उनका जो ये वाला जो साइड है, इस साइड को आपको थोड़ा सा केयरफुली हैंडल करना होगा या आपको करना होगा। ओके बट अदरवाइज अगर भर भर के प्यार है तो एक दूसरे के लिए आई थिंक ये बहुत फुलफिलिंग और बहुत ही खूबसूरत सा एक रिश्ता होने वाला है। प्यार बहुत रहेगा, सेटिस्फेक्शन प्राइड बहुत ज़्यादा होगा, आप बहुत अच्छा और प्राइड फील करेंगे अपने पार्टनर को लेके क्योंकि वो बहुत कमिटेड होंगे। आपके पार्टनर भी आपको लेके बहुत ज़्यादा प्राइड फील करने वाले हैं बट उनका ये साइड आपको थोड़ा केयरफुली हैंडल करना होगा। ओके अदरवाइज और कोई दिक्कत नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम आगे भी इस तरह का इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे रीडिंग लेके आएंगे, आप सजेस्ट कर सकते हो, टॉपिक इंटरेस्टिंग होना चाहिए। ओके एंड बाकी का जो जिस तरह का हम लोग वीडियोस लेके आते हैं वो वीडियो तो चलेगा ही, कभी कभी मेरा थोड़ा लेट हो सकता है, थोड़ा ठीक ठाक टाइम भी हो सकता है तो एडजस्ट कर लीजिएगा थोड़ा सा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर।